अब हमारे साथ ना गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के एमडी मिस्टर पीआर हरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत, क्योंकि कंपनी के बेहतरीन नंबर आए हैं और इस नंबर आने के बाद मैं तो वेट ही कर रहा था कि कब हरी जी आए और उनसे बातचीत हो। मिस्टर हरी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आप ईटीन और स्वदेश को समय दे रहे हैं। आपके नंबर देखने के बाद सभी लोग यही विश करते हैं कि शायद हमारी कंपनी भी गार्डन रीच की तरह हो, ऐसे ही नंबर उनके भी आए, ऐसी उनकी उम्मीद भी होती होगी। सर इस बार जो शानदार नंबर रहे हैं, ये गवर्नमेंट का कैपेक्स बढ़ रहा है जो आपकी कंपनी पे भी धीरे धीरे रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए आपने कुछ ज्यादा मेहनत की, इन्फ्लेशन का प्रेशर कम हो गया, ऑर्डर बुक अच्छी एग्जीक्यूट हो गई, क्या बड़े रीजन है जिसकी वजह से गार्डन रीच कितने शानदार नंबर रहा है? स्क्रीन पर नंबर भी आ जाएंगे सर। सर एक बार आप अनम्यूट कर दीजिए ताकि आपकी आवाज फिर हम तक पहुंचेगी, एक बार आप अनम्यूट कीजिएंगे सर। अभिषेक जी नमस्कार, पहले शुक्रिया आपके अच्छे शब्द के लिए। ये जो फाइनेंशियल ईयर 23 बहुत अच्छे तरीके से शुरू हुआ है और Q1 रिजल्ट हमारे हिस्ट्री में सबसे बेहतर रिजल्ट है जैसे आपने बताया, और हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 304 करोड़ से 580 करोड़, इफ यू आर कंपेयरिंग लास्ट फाइनेंशियल ईयर Q1 580 करोड़, दैट मीन्स देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 90% फ्रॉम द लास्ट ईयर, एंड आवर एबिटा मार्जिन एबिटा हैज गॉन फ्रॉम 42 करोड़ टू 74 करोड़, पीबीटी इंक्रीज बाय 88%, एंड पैट हैज गॉन अप फ्रॉम 21 करोड़ से 50 करोड़ तक बढ़ गया, शोइंग 143% इंक्रीज। हमारा ऑर्डर बुक हेल्थी है, करंटली वी हैव एन ऑर्डर बुक ऑफ 23,583 करोड़। ये जो ऑर्डर बुक में 90 to 95% इज कमिंग फ्रॉम शिप बिल्डिंग। जो शिप बिल्डिंग ऑर्डर 7 प्रोजेक्ट से है, ये जो 7 प्रोजेक्ट से 3 इंडियन नेवी का है, 1 कोस्ट गार्ड का है, 2 प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर हमको मिल चुके हैं, एक कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गयाना और एक गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के लिए। और एक अच्छी खबर है कि रिसेंटली हमने एक कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड किया है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ फॉर नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक फेरी। ये नया प्रोडक्ट है जिसमें हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है। अभी जैसे आपने पूछा कैपेक्स इन्फ्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, वी आर अ सेल्फ सस्टेनिंग कंपनी, जो भी कैपेक्स हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारा इंटरनल एक्रुअल से है। यस, हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो चुका है, हमने बहुत सारे इंटरनल एफिशिएंसी मेजर्स इंस्टीट्यूट किया है और इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट और ओवरऑल रेवेन्यू हैज इंप्रूव्ड। एक्चुअली मेरे को यही आपसे पता करना है कि आपका जो टोटल बैलेंस शीट है, अब इसमें से एक्सपोर्ट वाला पार्ट कितना हो गया, जो आप फॉरेन जैसे अब गयाना का भी बता रहे थे, तो ये वैसे अगर मेरे को आप परसेंटेज में बता पाए फॉरेन वर्सेज डोमेस्टिक। सी, हमारा मेजर वर्टिकल है डोमेस्टिक वॉरशिप बिल्डिंग, एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट का फोकस है, हमने भी इस एरिया पे बहुत इनिशिएटिव लिया है, लेकिन परसेंटेज वाइज एक्सपोर्ट कम्स टू जस्ट अबाउट 1.5 to 2% ऑफ आवर टोटल बैलेंस शीट, टोटल रेवेन्यू। नहीं बट आपका फोकस एरिया तो है, ये भी ये मैं आपकी बात से मैं अच्छे से समझ पा रहा हूँ। अच्छा मिस्टर हरी, एक चीज मेरे को और पता करनी है, जब इस तरह के आप नंबर्स दिखाते हैं ना तो चैलेंज भी उतना बड़ा बढ़ जाता है कि अगली बार भी आपको ऐसे नंबर फिर से रिपीट करके दिखाने होंगे, तो अगली बार के चैलेंज के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, ये नंबर अगली बार भी रिपीट हो सकते हैं कुछ इसी तरह के? सी, शिप बिल्डिंग ऐसा एक यूनिक प्रोसेस है, एक साइकिल फॉलो करता है। अभी जैसे मैंने बताया हमारा ऑर्डर बुक टू द ट्यून ऑफ 23,500 इंक्लूडिंग आर अदर वर्टिकल्स, दैट इज बेली ब्रिजेस, डीजल इंजन या डेक मशीनरी, सब मिला के करीबन 24,000 का ऑर्डर हमारे साथ है। और हमारा एक्सीक्यूशन प्लान से ये सभी ऑर्डर्स हम 2020 फाइनेंशियल ईयर 27 तक कंप्लीट करेंगे। जो अगले 3 साल, दैट इज FY23, FY24 और FY25 पीक रेवेन्यू जनरेशन ईयर्स होंगे। टू आंसर योर क्वेश्चन, यस द परफॉर्मेंस विल बी सस्टेन्ड। ओके ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर हरी, आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और मैं आपको बधाई भी देना चाहूंगा। और मैं आपकी जब कंपनी के पीछे जो आपकी तस्वीरें दिख रही हैं उसको देखकर हमको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, हम एक बहुत सुदृढ़ देश के अंदर हैं और सुदृढ़ मैनेजमेंट भी हमारे साथ है। मिस्टर हरी, मैं आपको स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ,
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने 18 देश के लिए समय निकाला, एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सर। थैंक यू एंड विश यू द सेम। थैंक यू वेरी मच। तो एक ऐसी मैनेजमेंट थी जिनके नंबर बहुत ही शानदार आए, वो आगे चल के कह रहे हैं कि ऐसा नंबर नहीं है कि शानदार इस बार क्या है, वो आगे चल के अपने ऑर्डर बुक के साइज को देख के बता रहे हैं कि आगे भी नंबर अच्छे ही रहने वाले हैं। तो इस शेयर के अंदर अच्छा खासा मूव आया है। खैर हालांकि ये सवाल किसी का नहीं है, लेकिन ये सवाल मेरा है कि गार्डन रीच पे अभी क्या करना चाहिए, इस नंबर के बाद फिर से खरीदना चाहिए? एक बार क्षितिज आप देख के बताएंगे चार्ट, मैनेजमेंट को आपने भी सुना, मैंने पूछा उनसे, तो आप जरा मेरे को देख के बताइए कि अगला क्वार्टर में भी और अच्छे नंबर मिल सकते हैं इसमें। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग मैनेजमेंट की बात करें तो काफी ज्यादा पॉजिटिव है अपने बिजनेस को लेके और अपने अप्रोच को लेके। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें टेक्निकल सेटअप से, प्राइस मोमेंटम के हिसाब से, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है, अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। हालांकि अगर हम लोग पिछले कई बीते हफ्तों की बात करें तो स्टॉक 320 से फिसलता हुआ 250-230 तक एक बार मूव कर चुका है। तो ये जो फॉल आया था ये पुलबैक रैली की तरह ही था, तो वो जो था एक अच्छा लेवल था बाय करने का। फिलहाल अगर करंट लेवल पे भी कोई बाय करना चाहता है तो मुझे लगता है दीज आर द वेरी गुड लेवल्स टू बाय ऑन। फिलहाल फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है यहाँ पे स्टॉक पे, हम लोग जिसको टेक्निकल सेटअप पे कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट। तो असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट के बाद स्टॉक मोमेंटम बहुत ही जल्दी कैच करता है, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी अगर लॉन्ग प्ले कोई करना चाहता है जीआरएससी में, बिल्कुल लॉन्ग प्ले कर सकता है यहाँ पे। मीडियम टर्म परस्पेक्टिव से 250 के लेवल्स के ऊपर जब तक स्टॉक मेंटेन कर रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे मोमेंटम अपसाइड का सस्टेन करना चाहिए। और उसने जो रीसेंट हाई जहाँ से स्टॉक फिसला था 320 की तरफ, बहुत जल्दी स्टॉक एक बार फिर से मूव कर सकता है। तो 250 के लगभग यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें, डिलीवरी बेस्ड ट्रेड करें, यहाँ पे परस्पेक्टिव काफी अच्छा है स्टॉक का। 320 के लेवल्स आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे। तो अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजिशन होल्ड भी है तो स्टॉप लॉस के साथ अपना पोजिशन को मेंटेन करें और 320 के टारगेट की यहाँ पे जरूर वेट करें। ओके ठीक है, 320 आ जाएगा, ये आपको चार्ट पे भी दिखेगा। अगर आप इसको गौर से देखेंगे और इसके अर्निंग्स को मैनेजमेंट को सुन रहे हैं तो आपको लगेगा कि इजीली हो सकता है इसके साथ, कोई गार्डन रीच के साथ कोई बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी शायद ज्यादा। खैर हम आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच